Long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सफर के दूसरे दौर में कर्नाटक के जंगलों से गुजरते हुए आपका एक और वादा बहुत याद आया मिस्टर नेहरू, सबको सबके बराबर का मौका, इक्वल अपॉर्चुनिटी। वी टुक अ रोड लेस ट्रैवल्ड। यहां इस घनी हरी वादी में मुलाकात हुई एक अलग सी जमात से, सिद्धि। पूर्वी अफ्रीका से इन लोगों को कभी हबशी गुलाम के तौर पर हिंदुस्तान लाकर बेचा गया था। 400 सालों में ये यहीं के बासी बन चुके हैं। इनका अपना इतिहास, अपनी पहचान, अपनी जड़ें खो गई हैं यहां के जंगलों में, यहां की जिंदगी में। आप अपने बच्चे के लिए क्या क्या प्रार्थना करती हैं? अपने बच्चों के लिए क्या प्रार्थना करती हैं? बच्चों के लिए खुदा पास उठने का, हाथ पांव धोने का और क्या मांगने का। हमारे को ऐसा रापने के लिए हाथ पांव में शक्ति दे। राप के तो हमारे को खाना खाने के, हम गंजी तभी करके हमारे बच्चों को बड़ा करेंगे, ऐसा मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? और क्या मांगेगा क्या? और खुदा देगा क्या हमको? अभी ऐसा रापने का तो है ना, दादा दादी कमाने तो हम कमाने वाला क्या, बच्चे को लोग को स्कूल पढ़ाना क्या, और हमारी जिंदगानी कैसा, हम ऐसा गुजरा, हमारे बच्चे लोग का क्या, ये सोचता है दिल में। इस जवान औरत का नाम है सुनीता। तो जिन सिद्धियों के पास जमीन है वो शायद थोड़ा सा संभाल लेते हैं अपने आप को, जिनके पास जमीन नहीं उनकी हालत क्या है? अल्लाह को मालूम। क्या अभी इतने दिन चला रहा है ना, यूं जाएगा बोल के चलाता है, कुली करने का खाने का भी क्या बोलेगा। हमारी बात हुई जवान मुकेश से। नहीं, अगर आप देखें जैसे आप कह रहे हैं कि सिद्धि की हालत है, बहुत सारे लोग हमारे देश में उनकी भी हालत ऐसी ही है। सिर्फ सिद्धि नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जो मेहनत करते हैं, मगर तो आप अकेले नहीं है। ये मत महसूस करना कि सिर्फ सिद्धि, बहुत सारे हैं। मैं घूमता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, लेकिन हमारे सिद्धि लोग के इतना सिद्धि लोग है ना, उसके नीचे कोई आदमी नहीं। सिद्धि लास्ट हो, लास्ट सेकेंड क्लास हो तो लास्ट बाजू में क्या, उसको सिद्धि नहीं आ गया आएगा तो, सिद्धि आ गया आएगा तो हाँ पड़ जाएगा, नहीं आ गया था पीछे रखता है उसको। क्या बात समझते हो ये, तो क्या वो करने वाले प्रोग्राम, क्या वो हमारे को बोले तो बात में बताऊ। देखिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छा मैं पूरा देश घूम रहा हूँ, घूम रहे हैं छोड़ा। क्या आप जानते हैं कि सिद्धियों की का इतिहास क्या है? अभी देखो क्या फायदा है। आप कह रहे हैं कि फोटो निकालने से या बातचीत करने में कोई फायदा नहीं है। वो खुद मार लेते हैं, उधर ये करते हैं, वो तुम्हें क्या करते हैं, वो खुदा को मालूम। बड़े मियां का नाम था हुसैन साहब। आपकी बहुत याद आई मिस्टर नेहरू। हाशिए पर जीने को मजबूर लोगों के लिए संविधान के सफों पर आपने तो कुछ और ही खाका खींचा था ना। समंदर की चौपाटी हम सबों के लिए बड़ी राहत की जगह थी, शायद पानी की लहरों से धुल सके दर्द सुनीता की आंखों का, दुख मुकेश की मुस्कानों का, घाव
हुसैन साहब की आवाज का। अगला पड़ाव था श्रृंगेरी। इसी मठ में रहते थे श्री आदि शंकर, जिन्होंने हमसे बहुत पहले हिंदुस्तान के चारों कोनों को जाकर देखा था, समझा था और उनमें एक सूत्र पिराने की कोशिश की थी। 18वीं सदी में जब हमलावर फौजों ने यह मठ मिट्टी में मिला दिया था तो इसे फिर से बनवाने का काम किया था एक शेर दिल इंसान ने, टीपू सुल्तान। आज भी हर मजहब को मानने वाले लोग हिंदुस्तान के चारों कोनों से आते हैं यहाँ सर झुकाने। श्रीनिवास एंड कुमार, नाउ यू आर कजिन्स, एम आई राइट? यू आर फ्रॉम बॉम्बे एंड दे आर फ्रॉम पुणे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ओवर हियर एट द श्रृंगेरी मठ? वी कम ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड दिस वी केम टू डेज अगो एंड वी बी फॉर वन वीक। फॉर वन वीक, व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर कम ओवर? इट्स वेरी पीसफुल, वेरी पीसफुल, या पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड। बिकॉज़ फ्रॉम द बिजी सिटी ऑफ बॉम्बे यू कम हियर, इट्स गुड लाइक वंस अ ईयर vacation time. Acha, what about you? You can peace of mind, the place is good. You can see, you think peace of mind is very important? Yeah, for sure. For people, sure. Because there, when anywhere you go, every routine life, studies, office, everything is there. Then once a year you just come here, here you don't, you are away from your routine work, so you can relax. And silence is very important. Yeah, very important. You have to think. Yeah. How do you all see the future of India? What do you feel is will be the future of India? Very bad. Very bad? Yeah. Why do you say that? Because now it is said that in India has got rich culture, heritage, everything. But the most important thing is that there should be someone to follow that culture, to maintain it. But I don't think there's anyone doing that. Tell me, Meera, you know, you've heard of our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. He believed in two very fundamental principles. Yeah. One of the principle of democracy. Yeah. He really stood by the fact that, and the other was secularism. Yeah. You know? What is your opinion about these two terms, democracy and secularism? What do you feel about it? It is good, but nowadays it is not, no one is following that. Democracy is that, but people are taking advantage of it. Yeah, and democracy should be used in the right way for others' welfare, but that is not going on now. And secularism, do you feel that India has such a diverse country? Yeah. Is the principle of secularism important? It is. It is. What about you, Kumar? You think secularism so? Is very important. Thank you very much, all three of you all. Yeah. Thank you. Can I shake your hand? Sure. Uh-huh. Thank your you. Name, please? My name is Saeed Mirza. This is my unit. Behind me is standing, this is young Chandidas from Orissa. That's a sound assistant. Her name is Shai. She is from Goa and from Bombay. This master, Hari Kumar, is from Kerala and he is the sound recordist. There's Sumit, the Khanna, my assistant director. Who else? There's Ravi holding the, look at him. He's holding the reflector. Behind him is the smart young man in the green. That's Parvej. Who else is there? Ah, don't forget KG. KG who's holding the white thermocol. We all working together. Where is Jangli, the cameraman? He can't turn the camera on himself. Yeah. He has a problem, but nevertheless. सर्वतंत्र भेदनाय सर्वयंत्र तंत्रोत्पादनाय सर्वमुद्रा भिन्नाय सर्वमंत्र यंत्र तंत्र स्वरूपाय महाचार्य जनसे जावादि देवा नारायणा ज्वलज्ज्वला सर्वपुष्टां सर्वकृत्रिमा नहनहना दहदा। दिस इज वन कंट्री, ऑल्दो देयर इज डाइवर्सिटी देयर इज यूनिटी, जस्ट लाइक अ थ्रेड दैट पासस थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, दैट यूनिटी परवेड्स थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम असम टू केरला, from Kerala to Bengal, from Bengal to Kashmir, from Kashmir again you come back to Kanyakumari. This is the unity of India. Just like so many rivers are there in our country, starting from Brahmaputra, Ganga, Kaveri, Godavari, like that. Human assets, human thing is found in our country to a great extent. It is not being properly harmonized. Look at the education system. Every person, even an engineer when he comes out, or a doctor when he comes out, he feels he is helpless. He has to look into the sky in the first instance when he walks out of the portals of the university. So on the other hand, if the moment he steps out, he is absorbed, his talents are used, and it is harnessed in a particular way,
for the development of the country. If that is done, we can achieve much more quicker results than the spread over of the results which is now happening. ज़्यादातर लोग जो मिलते थे उनका पूरा यकीन था डेमोक्रेसी पर, सेक्युलरिज्म में, पर सबको लगता था कि कहीं कुछ बिगड़ गया था और ये कि ये सिस्टम काम नहीं कर पा रहा था। मैसूर की तरफ जाते हुए सड़क के किनारे खेतों पर कुछ किसान अपना खेत जोतने में जुटे थे। राजू, इनसे पूछना क्या हम उनको उनसे बात कर सकते हैं? रुक कर जब मैं उनकी तरफ बढ़ा तो अचानक एक हल चलाने वाले की बात सुनकर ठिठक गया। उसने साफ साफ दो टूक कह दिया कि हमसे बतियाने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। बैलों की जोड़ी वो किराए पर लाया था और काम अभी काफी था। इनसे बात करो, मेरे बात में बैठे वो हमसे बात नहीं कर सकते। पति धरती तोड़ रहा था, बीवी बीज बो रही थी। उन्हें देखकर मैं नत हो गया, छोटा हो गया। यही काम है, हमको टाइम नहीं मिलता तो हम कहाँ से बात करेंगे? इसी में हमको टाइम नहीं मिलता। काम के अलावा किसी काम के लिए वक्त नहीं। और इधर हम हैं अपनी आरामदार गाड़ियों में घूमते रुकते बतियाते। वैसे भी कहां से लाता वक्त वो जिसका खेत काफी नहीं होता, अपना बैल नहीं होता, उसके पास वक्त भी नहीं होता है। हिंदुस्तान के देहातों को देखना है तो हाटों में जाना ही होगा। मीलों कोसों दूर के गांव से जिंदगी सिमट कर जुट आती है इन हाटों में। कोई बेचने आता है, कोई खरीदने, और कोई सिर्फ मिलने जुलने, मेला ठेला करने। और लौटते वक्त कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाता है। वैसे अगर ये ट्रक और इनके दोस्त मिजाज ड्राइवर ना होते तो जाने क्या होता। वैसे ये जादू ही है कि इतने नाकाफी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साधनों के, सड़कों, रेलों और रोडों के बावजूद हिंदुस्तानी चलता रहता है, हिंदुस्तान चलता रहता है। हर हाल में जीने के, हंसने के, चलते रहने के कितने आदी हो गए हैं हम लोग। शायद यही तो हिंदुस्तानियत है,
शायद। हरे खेतों बागों जंगलों से होते हुए हम पहुंचे मैसूर। बड़े करीने से बसाया गया है यह खूबसूरत शहर, पर सबसे सुंदर है यहां का राजमहल। आप हटिए। Each and every point, the way they have built, the way they have thought, everything, including the architecture, everything. Now nobody can do the same work. Now after doing architecture for about 5 years, of course. Kamal. इस लड़के की अदा में कुछ बात थी, खुद पर पूरा विश्वास, टेक्नोलॉजी से पूरी तरह खेलने को तैयार रेहान। अजनबियों के साथ भी घुल मिल जाने वाला यह जवान उस हिंदुस्तान का प्रतीक है जो आज आधुनिक है, आत्मविश्वासी है और आगे बढ़कर दुनिया से हाथ मिलाने को तैयार है। See how you cannot talk to him. Now I just want to know, what do you all feel when you all come to this Paris? What do you all feel? As the proverb saying, old is gold is always true, sir. Old is gold. Yeah. You agree with that? Yeah, like you. Now tell me, sir, we met a lot of people and everybody was very disturbed about the future, the lack of faith in the future. What do you all feel about the future? When the disappointment comes, sir, only when they have the much expectation, if it doesn't come true in the mind, they feel that they got disappointment. Oh, because like they have larger expectations. Yeah, lot of expectations and lot of, what I can say, ambitions and something right. Otherwise, disappointment would come, sir. If they are satisfied what they have got, then there is no question of disappointment, you know, sir. Right. Say, excuse me, sir, for your small request. Right. She has very nice voice, sir. Just let us sing a few sentences. Of course. Yeah. Come on, Manjula, for the camera. Manjula sings very well. Manjula sing. Manjula, just turn little, Manjula, little for the camera. Bas, very good. Banni bhavagale banni nannedege kareyuve kai besi battidedeyali beleyire hasirano pritiya male surisi. चार कमसिन लड़कियां, पारंपरिक परिवारों की पर पिछड़ेपन की शिकार नहीं, आधुनिक आज की युवतियां। शायद इसीलिए मंगला एक खुली जगह पर हम अजनबियों के सामने भी गाने में शर्माई नहीं। उसे पता है कि उसकी जड़ें उसकी सभ्यता और समाज में गहरे जमी हैं। फिर वो क्यों डरे, क्यों झिझके? एक ऐसा गुण जो हर इंसान नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए भी जरूरी है। मैसूर में श्रीरंगपट्टम जाकर टीपू के मकबरे पर सर झुकाए बिना मेरी तीर्थ यात्रा अधूरी ही रह जाती। मैं अपने दोस्तों को बता रहा था टीपू के किस्से, कैसे टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई थी, कैसे उसने चाहा था कि पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद हो, मगर टीपू की बात हमारे रियासतदारों नवाबों राजों को समझ में ना आई और आखिर में अकेले लड़ते लड़ते कैसे टीपू सुल्तान ने अपनी जान गंवाई इसी श्रीरंगपट्टम में। Retired school teacher, am I right? Okay. How do you see yourself now, with a sense of fulfillment in terms of teaching, or do you feel, how do you feel about it? Oh, my personal feeling is, since we have taken this as a sort of
a calling and not a profession. So we have to ask what has been assigned to us, do it with your faith in God and your own faith. Faith in God and self. How do you see education today all over the country? What do you feel about it? There are so many definitions about education, you know. The first is the bread and butter theory and whatnot. We are more bothered about that. So once it's called a profession, then we may not do much, but when it's called a calling, then right. You can definitely contribute your role. And you can't say, because we are a team, you know, the whole country. Right. If anything happens, society is only a reflection of what we have been, you know. Right. What right. I am is a society. And just as a statement, you get the government you deserve. So we can't blame either blame only one side. Right. The people should also give their best and see that whatever policies have to be implemented, with 5-year plans and whatnot, if it has to be successful, right. Everyone has to struggle. It's not a question of one-man show. And 50 years is in a man's life, in a nation's life is nothing. Because you and I may have 100 years, but 50 years is nothing. And it's only a sort of a foundation. शायद आप ठीक कहते हैं मिस्टर आयंगर, हम ज्यादा उतावले हो रहे हैं इन 50 सालों को समझने में, मनाने में. 50 साल होते ही क्या हैं किसी देश के इतिहास में, खास करके तब जब वो मुल्क हमारे भारत जैसा बड़ा और बड़ी विभिन्नताओं वाला हो. अच्छा वो अभी आएगा हमारा हमारा आदमी उससे लेने में. भाई 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 2 रुपए का एक. हाँ आगे गाड़ी में एक गाड़ी में दे देना. आगे आगे गाड़ी में दे देना. ये बंदरों के लिए. मूंगफली वाला बंदरों के नाम पर 4 पैकेट टिका गया. वो किसे बंदर कह रहा था, क्योंकि आसपास कोई जानवर तो नजर आया नहीं, कहीं हमें तो नहीं. शायद मधुमलाई के जंगलों में हम सांस साधे सफर करते रहे कि अब जंगली जानवर नजर आएंगे कि तब. और फिर दिखा एक हाथी. दुबला पतला था पर दांत जोरदार. क्या हुआ जो बेचारा पालतू था, जिंदा तो था हम इंसानों के बावजूद. इतवार को बाद दोपहर हम पहुंचे ऊटी के बोटैनिकल गार्डन में. यहां खुले मैदान में भीड़ भड़कके के बीच सैलानियों की चहल पहल में किसी से क्या बात हो पाती, पर बातें हुई और खुलकर. देयर आर पीपल पर्टिकुलरली एट द पॉलिटिशियंस लेवल परहैप्स ब्यूरोक्रेट्स लेवल सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स लेवल the novelish level, they put self before everything else, the country and everything else. But I wouldn't say about the common people. I don't think they just don't get an opportunity to develop themselves. It's a question of, I mean, they are almost non-persons. Why? We are not managing our human resources the way we ought to be doing. And I'm all for grabbing your population and all that. We must do that. But what we have, it need not be totally negative. It can be made positive with right kind of leadership, right kind of ideas, commitment, dedication, discipline, opportunities for these people to develop. I would say that after a few years, quite a bit of
hopes have been belied. However, still I think we've done very well as a nation. And there's something about the Indian which, you're so focused on the negative only because our aspirations were so high. Now we see only the negatives. We're critical, over-critical, very often missing out the major achievements. I would say that one of the things that I feel as a woman is that the consciousness of giving equal status for women in society is an important step, Commander Mukherjee ne kaha tha, non-persons. Aise log jo log hi nahi hain, kuch nahi hain. Kitna sahi kaha unhone. मगर अब वो नॉन पर्सन हमें नजर आ रहे थे हर जगह भीड़ में अकेले में ऊटी में मौज मस्ती करने आए हुए लोगों में भी वो लोग जो शायद लोग ही नहीं हैं बेनाम बहुत से बहुत एक गिनती सेंसस के रजिस्टर में या किसी हादसे की फेहरिस्त में मगर ये नॉन पर्सन लोग हर जगह हैं मुस्तफा भी उन्हीं में से एक है I sing that if आपका नाम क्या है मुस्तफा मुस्तफा गाना भी है ना मुस्तफा Are you a happy man? आप happy आदमी है नहीं नहीं सेल्स मैन नो happy You're not happy happy man. होता है तो सेल होना है ना सेल होने से हम happy हो जाते हैं नो सेल्स नो हैप्पी यह है एक नॉन पर्सन मुस्तफा पता नहीं मुस्तफा ही इसका असली नाम है या कुछ और पर वो है टिका है जूझ रहा है अपनी जिंदगी की जंग खुद लड़ रहा है ये बच्चा बड़ों के संसार में नकली दाढ़ी मूछों को अपनी ढाल बनाकर अपनी सेल्स वॉर की तलवार बनाकर ए तुम पे लो एक तुम्हारा असिस्टेंट को पहना दो असिस्टेंट कहाँ मेरा किधर वाला तू ही बोले सुमित शाहिद सुमित कहाँ सुमित सुमित ने बना दे ऊटी से जरा बाहर चाय के बागानों में हजारों औरतें चाय चुनने में लगी थीं। जहां तक नजर जाती थी खेत और लोग मैं सोच रहा था हालांकि बात नई नहीं थी कि अगर हम अपनी आबादी को अपना श्राप अपना अभिशाप न मानकर अपना वरदान मान लें तो शायद सोच बदल जाए सूरत बदल जाए मेरे हिंदुस्तान की मगर इसके लिए हमें अपने करोड़ों नॉन पर्संस को पर्संस की तरह ट्रीट करना होगा तभी आएगी सच्ची जमहूरियत इस देश में खुशकिस्मती से कम एक सूबा तो है पूरे देश में जिसने अपनी घनी आबादी को अपना वरदान बनाया है और वो है केरल हमारे सफर का दूसरा दौर खत्म पर था और हम केरल की तरफ बढ़ रहे थे केरल में आम आदमी की तरक्की और कोशिश देखकर आप जरूर खुश होते कमांडर मुखर्जी और आप भी मिस्टर नेहरू कम से कम मैं तो हूं